क्योंकि पहाड़ के कहीं भी किसी भी कोने में जाओगे ना, ऊपर वाले हाथ का एक नंबर चाह होती ना। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत वादियों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और कल रात से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। अभी सुबह थोड़ा रुकी हुई थी, अभी फिर स्टार्ट हो गई रिमझिम रिमझिम बारिश, और कहीं से धूप भी आ रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि धूप भी आ रही है और कहीं से बादल इकट्ठा भी हो रहा है। पता नहीं चल रहा मौसम क्या करेगा, तो फिर देखते हैं कब तक मौसम खुलेगा, या बारिश होगी रिमझिम बारिश होगी या खतरनाक बारिश होगी। ऊपर आसमान को देख के लग रहा है कि शायद मौसम खुलेगा, लेकिन नीचे जो बादल जा रहे हैं ना, उनसे लग रहा है कि शायद मौसम पूरा पैक होगा, क्योंकि ये ऊपर जाके आसमान में जाएंगे और पूरा पैक कर देंगे, तो फिर बारिश रिमझिम आएगी। आजकल ना एक प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ये देखो परसों एक ऊपर की साइड मरा था, आज एक और लटक गया यहाँ पे। पता नहीं इस बार ही, मतलब आज दो तीन दिन से पहले ही से देख रहा हूँ मैं कि ऐसा ही हो रहा है। आज तक तो मैंने कभी इस पे देखा नहीं कि ऐसे पक्षियाँ चिपकी हुए हैं इस पे। कल तो मुझे लगा था ये पुराना वाला ही जो पहले मरा था वही नीचे की साइड आ गया, पता नहीं कैसे। तब मैंने बाद में यहाँ पे देखा तो ये देखो जो पुराना वाला था वो यहाँ पे घिरा हुआ है, पूरा सूख सा के यहाँ पे घिरा हुआ है, और फिर बाद में पता चला ये तो नया मरा है। तो फिलहाल आज हमारे होम स्टे में आए कुछ गेस्टों से मिलाते हैं आज आपको। चलो आज खाना खाते खाते आपसे बातें करते हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र? महाराष्ट्र कोल्हापुर। बढ़िया बढ़िया। तो हो गई केदारनाथ की यात्रा? हो गई, दर्शन हो गए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में पहली बार किया क्या विजिट? पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम ही केदारनाथ। सही है सही है सही है, ऑसम प्लेस है, बढ़िया है। और कोल्हापुर में क्या गर्मी हो रही है या ठंड है? अभी बारिश है, अभी बारिश है। हो रही बारिश? ऐसी ऐसी बारिश होती है या हल्की होती है? बड़ी होती है, इससे ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन दो दो महीने होती है। अभी मोटी पाउस की इलायची चाय, सब एक नंबर ही मिलेगा आपको। इलायची वाला है भावा, एक नंबर चाह होती ना। जाओपासून इकडे आलोय 10 दिवस पहिल्यांदाच अशी चहा पिली इलायची इलायची मस्त आपल्या इकडे चहा टेस्ट आपल्यासारखी मस्त एक नंबर। मिता मा सही होता है, जिस हाथ पे मैं बोलूंगा उसी हाथ का देगा। ऊपर वाले हाथ का तू लाओ दिमाग खराब ना करना, ना 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 फिर आज का ना तमिल नहीं बोला ठीक है, उन्होंने गंदों को खाने। इसने पता क्या किया, उधर से आया आम लेके आया, मेरे को बोला कौन सा हाथ का आम चाहिए। मैंने बोला वो पीछे हाथ रख के, मतलब मैंने बोला कि जो मैं बोलूंगा वही देगा तो ठीक है। उसने मैंने बोला कि ऊपर वाले हाथ का चाहिए, उसने ऊपर वाले हाथ का दिया। अब पता क्या क्या, अपना वाला बाहर रखा हुआ था। ये बहुत गलत काम है इसके, मतलब हमेशा ऐसे ही करता है, एक हाथ बाहर कर रख देता है और एक मेरे एक ही ले आता था, वो छोटा वाला ले आता, बड़ा वाला बाहर ही रखा हुआ था। फिलहाल अभी हल्की बारिश के बाद बस धूप लग गई है और टाइम हो रहा है, अभी 12 बज गया। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए चौसा भात। चौसा जो कि पहाड़ के कहीं भी किसी भी कोने में जाओगे ना, उत्तराखंड में कहीं भी जाओगे ना, आप बस चौसा की डिमांड कर लो, आपको हर घर पे चौसा मिल जाएगा। चौसा बेसिकली भट से बनता है, भट सोयाबीन होते हैं, ये दो कलर दो टाइप के होते हैं, एक काला होता है एक वाइट कलर का होता है। तो पहले इनको पीसते हैं फिर इनको बनाया जाता है। तो आज इसकी पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, क्या चौसा होता है, क्या भट होते हैं, तो सारा दिखाएंगे। और ये क्या होता है कि हमारे घर ही पे हो जाता है, तो खेतों में बो देते हैं ना, तो ये हो जाता है, तो कहीं मार्केट से लेना नहीं पड़ता हमें। अब कोई मतलब शहर वाले इलाके में रहते होंगे तो उनको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली घर पे मिल जाता है। तो आज इसकी प्रोसेस दिखाता है आपको। अब ये है भट, काले और सफेद। अब आप लोग इनको शायद सोयाबीन बोलते होंगे, हम तो इनको भट बोलते हैं। तवा गर्म हो गया, उसके बाद इसमें डालते हैं सोयाबीन। अब पहले इनको भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। इनको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस जैसे ही वो चटकने आगे आ जाए, सुन रहे होंगे आप, वो टक 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 हो रहा है, जैसे वो आ जाए तो वो मतलब हो चुके हैं।
अब पहले तो लोग क्या करते थे, ओखली में कूटते थे, अब लोग स्टोर करके रखते थे उसको, लेकिन अब क्या हो गया, अब मशीन आ गई, मिक्सी आ गई, तो जब चाह तभी कर लिया, स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पिसा रहता है तो उसमें फफूंदी टाइप का लग जाता है, गीला होगा तो फफूंदी टाइप का लग जाता है, लेकिन अब मिक्सी आ गई तो जब चाहिए तब उसको पीस लो और बाकी सही रहता है वो, फिर खराब नहीं होता है। तो चौसे में हरी भुजी, हरी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, और ये काट रही है मम्मी, जैसे हरे साग में काटते ना बारीक, ऐसे नहीं काटना है इसको, जितना मोटा काट सकते हम, मतलब एक दबे काट दो, एक दबे या दो दबे, बहुत हल्का हल्का काटना है, ज्यादा जरूरत नहीं है काटने की, और सीधे बॉईल कर दो, नमक डालना है और तैयार हो गई हरी भुजी। तो सब्जी बनाने के लिए तेल गर्म करो, उसमें राई के बीज डालो, और साथ साथ में इसके साथ जितना स्वाद अनुसार नमक डाल दो, और स्वाद के अनुसार मिर्ची, कुछ लोग मिर्ची का यूज नहीं करते हैं, कम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं यूज, लेकिन दादी बनाती है, दादी मिर्ची का यूज नहीं करती, दादी सिर्फ नमक ही से बनाती है उसको। और हरी सब्जी बनाते टाइम में इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करते, उसमें इतना पानी होता है कि वो पानी खुद ब खुद छोड़ देता है, तो पानी एक भी नहीं डालना है, और जैसे हल्का फुल्का बॉयल हो जाता है, मतलब खाने लायक हो जाती है, उसके बाद तुरंत उसको कटोरे में निकाल दो, बस तैयार। मतलब सबसे नॉर्मल सब्जी जो बनती है ना, 2 मिनट या 3 मिनट वाली मैगी सुनी हुई है आपने, उससे बढ़िया इसको बना लो, टेस्टी अलग होती है और टाइम की बचत अलग होता है और हेल्दी सबसे ज्यादा। और जिस कढ़ाई में सब्जी बनाई उसी में अब हम चौसा बनाएंगे। तो सब्जी इधर निकाल दिया, अब उसमें तेल रख दिया हमने गर्म करने के लिए, तेल जैसे गर्म होगा फिर इसमें भी राई के बीज, जीरा, लहसुन, और चौसा बनाने में टमाटर की यूज नहीं करते हैं, इसमें बस प्याज, लहसुन, जीरा और ये राई के बीज, बस इसका यूज करते हैं, नमक भी, टमाटर का यूज कोई नहीं करता इसमें। जैसे प्याज हल्का ब्राउनिश हो जाए उसके बाद उसमें मिला दो चौसा। अब ये मत सोचना इतनी ज्यादा मिर्ची कैसे खा लेते हो तुम लोग, तो ये सब मिक्स मसाला है इसलिए सब एक दो चम्मच पड़ जाता है वो। चौसा बनके रेडी हो गया, अब इसमें बस धनिया डाल दो ऊपर से, और ये रहा आपका चौसा भात। चौसा भात खा के मजा आ गया, और ये ना सबसे सरल होता है दिन में, कभी भी मतलब अगर आपको बहुत हल्का खाना खाना है तो चौसा भात खा लो। अब चौसे को आप रोटी में भी खा सकते हो, और भटकी इसकी चुटकानी बनाते हैं, इस डुबके भी बनाते हैं काफी लोग, भटवाड़ी बनाते हैं, बहुत सारे इसके मतलब बहुत चीजें बनती है और बहुत टेस्टी होता है। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम है और हम लोग ऐसी जगह पे घूमने आए हैं ना, मतलब हमेशा इसी जगह आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे आगे ऐसे व्यू मिलता है ना, और जब बरसात का टाइम होता है तो सारी जगह ग्रीनरी होती है, और सामने व्यू देखे मेरे। तो चलिए फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा, अपने कमेंट जरूर करेगा, मैं ब्लॉग बहुत लेट खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। और तो चलिए आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करेगा, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।